रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में नामिका। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमा चौधरी, जी हाँ प्रेमा चौधरी ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर है, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो जल्द ही आरजेडी में शामिल हो जाएंगी। आपको बता दें कि प्रेमा चौधरी ने वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अपने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने पातेपुर से उम्मीदवार बनाने का आश्वासन देकर के जेडीयू में शामिल करवाया था, लेकिन चुनाव के समय मुझे दरकिनार कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रेमा चौधरी ने कहा कि उन्हें जेडीयू में अब घुटन सी महसूस हो रही थी, लिहाजा उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही वापसी यानी कि घर वापसी कर लेंगी। पातेपुर के पूर्व विधायक ने कहा कि शुभ मुहूर्त में अपने पूरे समर्थकों के साथ वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जहां जेडीयू में उन्हें घुटन हो रही थी, वहीं आरजेडी में आज भी लगता है कि वो जैसे अपना घर है, इसी कारण घर वापसी करने वो जा रही हैं। आपको बता दें कि आरजेडी से तीन बार पातेपुर से विधायक रही प्रेमा चौधरी 17 अगस्त 2020 को आरजेडी छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो गई थी। उन्हें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। उन्होंने बताया कि मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, अपने प्रयास के बल पर जेडीयू को अच्छा खासा मुकाम हासिल करवाया। जेडीयू में अच्छे लोगों की कदर नहीं होती है, जिस कारण पार्टी में रह करके घुटन महसूस हो रही थी, वो अगले महीने आरजेडी ज्वाइन कर सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार के दिन एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जहाँ जंदाहा पहुंचे थे, वहां प्रेमा चौधरी ने उनके साथ मंच शेयर किया था। इसके बाद ही उनके पार्टी में वापस फिर से वापसी के लिए तेज हो गई थी। बताया जाता है कि इसी दौरान तेजस्वी यादव ने प्रेमा चौधरी से पूछा कि कहां है, आइए वापस, तो जवाब में प्रेमा चौधरी ने कहा कि शुभ मुहूर्त जब होगी वो शुभ मुहूर्त देख करके मैं वापस आऊंगी। तो फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।